आप ये जवाब सदन के भीतर देंगे कि आपका मुख्यमंत्री कह रहा है कि जो दो महिलाओं का वीडियो वायरल हो रहा है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जिस तरह से उनके शरीर को असम्मानित किया जा रहा है, मांस को नोचने जैसे एक राक्षसों की तरह जो बिहेव हो रहा है, और सीएम कह रहे हैं कि ऐसे 100 एफआईआर और घटनाएं होंगी, क्या इसकी जानकारी प्रधानमंत्री को नहीं थी? हम लोग की सिंपल डिमांड है और अनफॉर्चुनेट है कि ये लगातार लगातार सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जब एक स्टेटमेंट दी, वो भी सदन के बाहर, तो उसमें पहले राजस्थान की बात, छत्तीसगढ़ की बात, हम नहीं कह रहे कि हम रेप के खिलाफ नहीं है, अगेंस्ट नहीं है, उनके साथ दुख नहीं है। आज की तारीख में क्या वो सिंपल तरीके से ये नहीं कह सकते थे कि हम महिलाओं के साथ हैं, हम उनके सम्मान के साथ हैं, और जो मणिपुर में हिंसा लगातार 90 दिनों से हो रही है, उसका मैं जवाब देने के लिए सदन के भीतर तैयार हूँ। हम लोग की सिंपल सी ये डिमांड है, और मुझे लगता है, मैं खासकर इनकी महिला बाल विकास मंत्री साहबा को बोलूंगी, जिन्होंने आज उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये बॉर्डर इलाका है, वियतनाम का बॉर्डर है, वहां से ड्रग्स की भी बहुत सारी स्मगलिंग होती है, 90 दिन से हमारे बॉर्डर इलाके में हिंसा हो रही है, तो क्या इसका जवाब सदन के भीतर सरकार को नहीं देना चाहिए? आपकी सरकार भगौड़ों की तरह बिहेव क्यों कर रही है? ऊपर से अपने मंत्रियों को बिल से निकालते हैं। अरे मंत्री को भी बुलवाना है तो सदन के भीतर बुलवाइए, बाहर में मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है, महिलाओं को जिस तरह से नोचा गया है, उसके लिए आपको एक शब्द भी बोलने का ऑर्डर नहीं है, तो निश्चित तौर से जिस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है, आपको उस पार्टी को नालक माननी चाहिए और अपने पद से आपको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी वो मणिपुर में बोल गए, आप बताइए मुझे, पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं, 77 दिन हो गए, 77 दिन हो गए, उसके अंदर आपने ये सब नहीं बोला। 50 साल का मेरा अनुभव राजनीति का, अगर एक राज्य में आग लग रही हो पूरे राज्य के अंदर, आग मामूली नहीं हो, आग धधकती आग हो, उसके अंदर आपने जिस रूप में अपने को पेश किया, सुप्रीम कोर्ट के इंडिकेशन मिलते ही मेरे ख्याल सेकेंडों के अंदर बात खत्म कर दी, मैंने सेकेंडों के अंदर। और मुझे अफसोस है कि काम मणिपुर जल रहा है, कितने लोग मारे गए हैं, 150 लोग मारे गए, 200 मारे गए, 500 मारे, किसी को नहीं मालूम है, कोई हजार लोगों की बात कर रहा है। वहां का मुख्यमंत्री कह रहा है कि आप तो एक रेप घटना की बात कर रहे हो, ऐसी 100 से अधिक घटना हो चुकी है मेरे राज्य के अंदर, और पता नहीं अब आगे 1000 तो उन्होंने बताई, अब तो फिगर आ रहा है 3000-4000 एफआईआर लॉज हो चुकी है। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने बिहेव किया और जिस प्रकार उन्होंने दुख प्रकट किया और कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर, और मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहूंगा कि आप वहां पर ध्यान रखें। बताइए आप, ये प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट करी है, कहां तो मणिपुर है जहां पर क्या नहीं हो रहा है, वहां क्या नहीं हो रहा है, और वो कहते 140 करोड़ जनता को संतान होना पड़ रहा है, 140 करोड़ जनता को संतान नहीं होना पड़ रहा है, वो तो दुखी है आपके सरकारी कारनामों से, आपकी विफलताओं से, आपकी लापरवाही से। एक बार गृह मंत्री जाके आ गए और तीसरी कर ली, जलते रहे, मरते गए, झोपड़े जल रही है, सब कुछ जल रहा है वहां पर, और जो रेप और जो घटना जो आप देख रहे हो क्या क्या नहीं हो रहा है, उनके बारे में आपने खाली चंद सेकंडों में अपनी बात खत्म कर दी फॉर्मेलिटी करके। वो खुद नहीं जाते, मान लो पीएमओ मीटिंग बुलाते, बराबर रेगुलर पता करते क्या हो रहा है, प्रोग्रेस क्या है, कंट्रोल कैसे होगा। आप कर्नाटक घूम रहे हो, राजस्थान घूम रहे हो, छत्तीसगढ़ घूम रहे हो चुनाव के अंदर,
ऐसा मैंने पहली बार अनुभव किया कि प्रधानमंत्री लेवल का एक गरिमा होती है, प्रधानमंत्री पद की बहुत बड़ी गरिमा होती है। हमारे तरह की गर्व की बात होती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, दुनिया के मुल्कों में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। वो आदमी मणिपुर हमारा राज्य है ये नहीं बोलना चाहिए, उनकी सरकार है, उनकी सरकार है। अगर वह कांग्रेस सरकार होती तो आप कल्पना कीजिए वो क्या क्या बोलते। तो कहने का मतलब कि ये बातें भी देश में हो रही है जो बहुत दुखद है।